जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मस्त वीडियो ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ छोटू मौर्या। मैं आज आप लोगों को अघोरी किला का वीडियो दिखाऊंगा। ये वही रास्ता है जो अघोरी किला को लेकर के जाता है। दोस्तों चलते हैं अघोरी किला पर। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ अघोरी किला पर। ये अघोरी किला का ये बाहरी सीन है और सामने आप लोगों को मंदिर दिखाई देगा। दोस्तों मंदिर के जस्ट बगल में अघोरी किला का जो बड़ा गेट है वो गेट है और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं दोस्तों, उनसे बातचीत हो रही है। अघोरी किला के बारे में वो बता रहे हैं। दोस्तों जो बगल में मंदिर है, माता जी का दर्शन कर लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग अघोरी किला में प्रवेश करेंगे। दर्शन करने के बाद अघोरी किला के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं अघोरी किला के अंदर प्रवेश करते हैं। आज के ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। ये किला बहुत वर्ष पुराना किला है। ये किला माधो सिंह किला के नाम से जाना जाता है, माधो सिंह का किला कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जब आप गेट से अंदर घुसेंगे तो जस्ट बगल से ये दरवाज़ा है, रास्ता है अंदर जाने के लिए। जब इस दरवाजे से आप अंदर जब जाएंगे तो जिसको बोलते हैं अंगनैया, किले का जो पहला अंगनैया है, आंगन बोलते हैं, वो ये आंगन का ये वीडियो है। आंगन चारों तरफ से मैं ये दिखा रहा हूँ कैमरे से। ये टोटल खंडहर हो चुका है दोस्तों। दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पर दिनेश लाल यादव की गाने की शूटिंग हुई थी। दोस्तों ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, इसी जगह दिनेश लाल यादव बैठे थे और उनके जितने भी कलाकार थे वो इसी जगह बैठे थे। दोस्तों ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए और यहाँ पर निशान लगाया गया है कि जो व्यक्ति उस पर चढ़े आराम से चढ़े, नहीं तो एक किला बहुत जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर वो निशान लगाया गया है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, मैं थोड़ा सा अंदर का ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ से सुरंग है, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल चमगादड़ उड़ रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये किले का जो कि सपोर्ट दिया गया है वो टूट गया है, ये कभी भी ढह सकता है। दोस्तों आप लोग आइएगा देखिएगा तो बहुत संभल करके किले में घुसिएगा देखिएगा। दोस्तों गाइड से बात कराते हैं। तो फिर दोबारा मर ले। अच्छा। भाई मारो दोनों हाथे, रोक लो पत्थर। हाँ। तब मरद हो। ओ। तब वह मर ले तो दोनों दल्ला रोक ले लें, तब वह फिर आगे डोला। वहाँ पे है। हाँ। बलिया के लाल का। हाँ, बलिया बीर लोरी। बीर लोरी। अच्छा। तब वह अपन सेनहो छिरी कब बिक दे, जब शादी ब्याह हुई तो तहर लहला हो जाए। अच्छा तो यहाँ अब आगे बढ़ा ले। चलिए चलिए आगे दिखाइए कुछ, तो आगे आगे चलेंगे हम लोग, पूरा दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग किले के अंदर जो कि मंडप है, इसके अंदर आ करके और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये देखिए रास्ता है जाने के लिए। और ये देखिए पूरा यहाँ सब चमगादड़ सब उड़ रहे हैं। दोस्तों जो ये बिल दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे शेर रहा करता था, इसको बोलते हैं। और इस किले में ये देखिए डोली का नक्शा पूरा बनाया गया है और ये देखिए पूरा टोटल सेम जैसे कि डोली बनती थी उसी टाइप का ये इसको बनाया गया है। ये टोटल पत्थर के अघोरी किला के बाजू पत्थर से ही सब निकालकर ग्रीन मास इसी कहते हैं। रानी का वास मतलब रानी इसी में रहते थे क्या? अपन राजा रानी इसी में रहते थे। आए जो आजकल के जमाने में कूलर चला था। हाँ हाँ, कूलर का बाप है, हवा देने वाला। ओ मतलब इसमें से देखिए हम लोग जो कूलर का आनंद लेते हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए सामने ये आप देख सकते हैं सोन नदी है, यहाँ से सीधे साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें सच में लग रहा है कि अभी भी हवा आ रहा है एसी का। आप लोग जुलाई का अब मन के बहुत पहले जब 7 फीट के आदमी होते रहन, 7 हाथ का, तब ने जमाने का ई सब सतयुगी बना हुआ। मतलब अच्छा उस समय
सात आठ के आदमी थे ना? हाँ, सात आठ के, सात आठ के। तो देख सकते हैं आप लोग बनावटी यहाँ का गजब का सीन है। थोड़ा सा ऊपर आप लोग नजारा दिखाएंगे कि इसका सीन जो बनाया गया है, समझ लीजिए ये पालकी है जो आप देख सकते हैं, कितना सुंदर डिजाइनिंग किया गया है उस जमाने में। अच्छा, जो ये शेर जहाँ रहता था, यही का पिलर, यही का नक्शा निकाल का बाजार में तो हार बनौले भाई सरिया वाला पिलर। अच्छा, मंजिला यही है, सात मंजिला बड़का किला, इसमें बड़ी बड़ी मोटा मोटा सर्प है और अजगर है, चित्ती चित्काबर रखे होती है वो भी है। अच्छा, इस किले में भी आज भी है? आज भी है। आप लोगों ने देखा है? देखा है, देखा काली परसों दिन बताओ तो आज देखे बकरी लील गल है। ओ हाँ, यही और कम में हमार और ये जैसे सुअरा शेर वेर तेन वेन दलू वो कभी कभी आते हैं। आते हैं। हाँ, जैसे तो चलिए, ये इसको लोग कहते हैं कि अघोरी किला का बड़ा किला है। और इसी तरफ हम लोग चल रहे हैं और दोस्तों जो सामने ये किला दिखाई दे रहा है, इस किले को लोग कहते हैं बड़ा किला है और इसी को लोग कहते हैं कि ये कचहरी भी है। जब दोस्तों जब प्रजा कोई भी अपराध करती थी तो राजा रानी इसी जगह बुला करके फैसला करते थे। और देखने में दोस्तों बहुत ही बढ़िया किला है, पहले जब ये सब जंगल नहीं रहा होगा तो देखने में कितना सुंदर किले के अंदर का वीडियो लगता होगा। और इसके बगल में देखिए सोन नदी है और ये बाहरी दीवार है दोस्तों जो कि टोटल ढह चुकी है और ये भी टोटल पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों ये किला लगभग 4,000-5,000 वर्ष पुराना ये किला है दोस्तों। और ये किले को बनाने के लिए बड़े बड़े असुरों ने मिल करके इसको बनाया होगा दोस्तों। और ये बाहरी दीवार है दोस्तों, बहुत ही मजबूत है। दोस्तों जो सामने दिखाई दे रहा है इसको लोग कचहरी बोला करते थे। जब प्रजा कोई भी अपराध करती थी तो राजा उनको इसी कचहरी में बुला करके जो भी दंड होता था उसको इसी कचहरी में देते थे। और ये कचहरी बहुत ही दूर में फैली हुई है दोस्तों, जिसको अघोरी किला बोलते हैं। अघोरी किला का दूसरा एक किला है, इसको बड़ा किला बोलते हैं। और इसके सामने जो सोन नदी है वो बहुत बड़ी नदी है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं बड़े किले की तरफ। दोस्तों ये देखिए गुंबज है। इस किले पर दोस्तों बड़ा बड़ा चार गुंबज है, जिससे कि वहाँ के जो सैनिक रहा करते थे उसी गुंबज पर खड़ा होकर के रखवाली करते थे। दोस्तों देखिए यहाँ से कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है अघोरी किला का ये पूरा वीडियो। और ये दोस्तों पूरा जंगल से घिर चुका है। दोस्तों ये देखिए, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से नक्काशा किया गया है, किले की बनावट कितनी खूबसूरत थी। ये और ये देखिए चारों तरफ का ये वीडियो है। अभी ये पूरा ये समझ लीजिए कि ऊपरी हिस्से का ये वीडियो है। दोस्तों जो ये सामने दिखाई टंकी दे रही है, पानी टंकी, इसी में पहले जमाने की जो नीचे से लाके पहले जमाने की जो नौकरानियां थी दोस्तों, ठिल्ली ठिल्ली पानी इसमें भर दिया करती थी। नीचे से पानी ला करके इस टंकी में पानी भर दिया करती थी। दोस्तों ये अघोरी का किला जो कि है कम से कम 3-4 हजार पुराना ये किला है। 5,000 वर्ष पुराना ये रहस्यमय किला है जो सात मंजिलों से बना हुआ है। इसके कहा जाए तो इसके नीचे भी सुरंग है। ये आपका नाम पूछना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सुग्रीव सिंह। आप यही रहने वाले हैं अपने अघोरी फोर्ट के? अघोरी खास से।
अभी हमको आप यहाँ पे टूरिस्ट के टूरिस्ट गाइड बन के हम लोग को दिखा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोईठा बुहाता गोईठा पर बैठल बा सांप, सांपे के पर सांपे के बाद चुंडुल चुंडुल पर बैठल बा चिड़िया। वाह ना क्या बात है। हाँ तो देखते देखत आखिर गोईठा कहाँ भी ना था, कुछ दूर चल गल तब से देखत देखत आखिर कहा जाए बिहार बाहर के पाई चला चल प्रेम हुआ वैसे जैसे चलते रहिए। उम्र बीतते बीतते जब शादी का उम्र हुआ किले का जो नक्शा होता है, किले का नक्शा ऐसा निकाला जाता है कि बाहर से किला देखे, जो सैनिक लोग कभी वार करते थे अपने जो भी अस्त्र शस्त्र था तो दिखा के मतलब देखा करते थे सैनिक लोग कि बाहर से कोई आ ना जाए, तो इस तरीके से बनाया जाता था। ये चांदनी देख सकते हैं चाचा बता रहे हैं, हम तो नहीं जानते लेकिन आने के बाद बताया चाचा, पूरा अपन देखा ये चांदनी पे सैनिक लोग देखा करते थे कि यहाँ पे कोई बाहर से आ ना जाए, यही बात है। अच्छा तो ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपका बात सुनकर, फिर आगे दिखाएंगे इधर कुछ। ये गाथा लेना दोस्तों जितनी भी कहानियाँ शुरू हुई थी अघोरी किला के बारे में, वो सिर्फ जितनी भी कहानियाँ थी वो मंजरी और बीर लोरी के बीच थी। वही जमाने के जैसे कह दिले मंजरी कह दिले जे उसमें हाथी देवता पत्थर और कोई पशु पंछी पलत मजरी इतने कह गए जो है बहन रुक जो मत हाथी। हर यादव की बेटी थी मंजरी, उनसे ब्याह रचाने के लिए वो बलिया से आए थे अपनी पूरी एकदम छाट बाट से, एकदम पूरा कहा जाए तो सैनिक लेके लाखों बरातियों से यहाँ पर आए थे। जो बराती उनको बीर लोरी पत्थर जहाँ पे दिखाया था कुछ दिन पहले, आपका बहुत सपोर्ट रहा है। इधर से जाएंगे तो जो रास्ता है उधर चलिए आप लोग। किया गया होता तो ऐसी ना होती, और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ किस तरीके से ये किला है। ये पूरा दीवाल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दीवाल थी। इस दीवाल को जोड़ा जाता है, जोड़ दिया हो गया होता पहले, लेकिन ये किला के पूरा टूट चुका है। दोस्तों ये देखिए जो किले पर जो कि चारों कोने जो गुंबज होता है वो देखिए दोस्तों, ये पहला गुंबज है और यहाँ पर ये देखिए दूसरा गुंबज है, उसके पार भी कुल चार गुंबजें यहाँ पर हैं। और ऊपर से देखिए नदी है, पानी लाल है यहाँ का, यही पानी है अंकल जी ना। हाँ। दोस्तों इस समय हम लोग ऊपरी हिस्से पर खड़े हैं और ऊपर से अब नीचे की तरफ चलेंगे, और नीचे जाने के लिए बहुत ही रास्ता गड़बड़ है। साइड का रोड है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, पूरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि। दोस्तों जब माधव सिंह अघोरी किला छोड़ करके जाने लगे तो इस दरवाजे को बंद कर दिया कि कोई इसमें आए ना। कौन सा राजा निकलने लगे और रातों रात वो चले गए किला छोड़ करके। दोस्तों मैं किले के बाहरी हिस्से का नज़ारा दिखा रहा हूं, और ये देखिए कैसा लग रहा है बाहरी हिस्से का नज़ारा, और यहां से किला कैसा दिखाई दे रहा है, सिर्फ जंगल जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। और इस समय हम लोग नीचे खड़े हैं, यहां पर जो यहां के रहने वाले हैं उनसे कुछ बात कर रहे हैं। ये देखिए नज़ारा बाहर का है, और ये देखिए दूसरा किला है अघोरी किला का पार्ट वन और पार्ट टू है। दोस्तों वीडियो के अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद।